हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 6 और आज भी मैं जल्दी उठ चुका हूँ। मुझे ज़रा बाहर जाना है और घर के थोड़े बहुत सामान लेने हैं, जो कि सब्जी हो गई और ग्रॉसरीज। और हम यूजुअली हम लेते हैं तो डायरेक्ट 5 दिन या तो एक हफ्ते के लेते हैं, तो देखते हैं आज कितना सामान लाना है। आई होप कि ज़्यादा गर्दी ना रहे, सब कुछ सेफ और सही रहे। आप भी जब निकलोगे तो मास्क पहन के फुल सेफ्टी के साथ निकलिए। आजकल बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ रहा है। वैसे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, घर के थोड़ा सा पास ही है, लाइक 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अरे बाप रे, कितनी भीड़। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कहाँ पे लगाना पास? शॉपिंग हो चुकी है, साथ ही साथ बहुत गर्मी भी हो रही है। आई होप कि अभी एक हफ्ता कुछ आना ना पड़े। बहुत डर लग रहा है यहाँ पे आने, जैसे कि बहुत सारे पब्लिक है और ज़्यादा ही गर्दी है। लेट्स होप कि सब कुछ ठीक रहे और घर पे जाके पहले फ्रेश हो जाता हूँ, सैनिटाइज करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चुके शॉपिंग करके सब्जी और ग्रॉसरी का, और मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। तो अब बारी है चूहे राजा को अलविदा कहने की, तो चलो आपको दिखाता हूँ चूहा राजा। तो ये रहे हमारे चूहा महाराज, इन्हें हम अलविदा कह रहे हैं। सॉरी आपको हमने पकड़ा और अलविदा कहने पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है बेचारे को देख के, छोटा बच्चा है, बट क्या करे, घर के अंदर आ गया और थोड़े उसमें वायर भी अभी काटे। इधर भी फाड़ दिया। चूहा राजा ने पूरा नुकसान कर दिया है, एक यहाँ पे और साथ ही साथ उसके अंदर की थैली भी फाड़ दी थी। मैक्स का खाना चोरी करने की कोशिश कर रहा था, खाने की कोशिश कर रहा था। अब हम थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं। अच्छा हुआ कल रात को ही हमने वो माउस पैड राइट पैड ला लिया था और सुबह तक आखिर में वो पकड़ा ही गया। और साथ ही साथ मैक्स का खाना भी बच गया, कुछ हुआ नहीं ना, उसने कुछ खा पाया।
ओह शिट, इसमें भी किया है, फुल छोटे छोटे छेद कर दिए, तो इसमें भी छेद कर दिए। रात तो रात उसने क्या क्या कर डाला, अगर पैड नहीं होता तो फिर आज मैक्स का खाना पूरा खराब और ख़त्म हो जाता। सो अभी बारी है जो भी सब्जी लिए सबको अच्छे से धोए, हल्का सा सैनिटाइज करे। के बाद कुछ इस प्रकार हमने सजा के रखा है सब कुछ ताकि अच्छे से सूखे। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है रात को, उसी की तैयारी करने के लिए मैं सामान लेने जा रहा हूँ। स्पेशल डिश का सामान ले लिया है और हम यहाँ पे रुके हैं लाइन में पानी का बिल भरने के लिए। 9:30 तो बज चुके हैं, पता नहीं गेट कब खुलेगा। खुल जा भाई, खुल जा, कोई तो आ जाओ। फाइनली गाइस हियर आफ्टर 15 मिनट्स। हद हो गई यार। क्या हो गया, क्या बोल रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा? अरे वो एक टाइम में हमने 21 रुपीज़ में भरा था ना, तो उसको ऐड ही कर दिया इसमें। 21 रुपीज़? अच्छा, देन ले पकड़। यस। और इतना ये टाइम पास क्यों कर रहा था वो? क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम था, इश्यू था? हाँ, टाइप कर रहे थे वो। हाँ। टाइम लगा उसमें। हाँ। मुझे समझा रहे थे कि तुम्हारा इतना पेंडिंग था। हाँ। इसलिए इसमें ऐड कर दिया। अच्छा। और अब से नहीं ऐड होगा। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30, ऑलरेडी थक चुका बहुत, तो पहले नाश्ता कर लेता हूँ, बाद में बाकी के और काम करने वो करूँगा। सो मैं मिलता हूँ नाश्ता करके। तो आज नाश्ते में है फूल गोभी की सब्जी और रोटी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पकड़, मैं स्कूटी लेके आया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे भाई उधर गए आटा लेने विथ मम्मी। फिलहाल तो इधर थोड़ी भीड़ दिख रही है। और एक लेके आना। यस यस, आ जाओ। हेल्पिंग हैंड, थोड़ा मदद हो जाता है मम्मी का। ओह शिट, टूट गया। ओह नो, ऐसे कैसे टूट गया यार? ये नाजुक थैली थी क्या? शायद थोड़ी तो ठीक लग रही है, बट मुझे लगता है जूनी हो गई, मतलब तो टाइम हो गया ना ये थैली में। कोई नहीं। आराम से। सो गाइस, फाइनली घर आ गए हम लोग। ओए क्या कर रहे? अच्छा, वही मैं बोलू, इतने टाइम बाद तू अंदर कैसे गया? कटका लेके गया? हाँ, आजा मैक्स, आजा बाहर, ले ले ले, खाओ खाओ खाओ, ले 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 ले, आजा आजा बाहर, ले खाओ, खाएगा खाओ, ले ले। दे मैक्स, दे 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 दो। एक घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी भी यहीं पे बैठा है और पकड़ के रखा है। कितना जिद्दी है मैक्स, तो कितना जिद्दी। चल बाहर आ मैक्स, बाहर आ, आजा आजा, मैक्स खाना खाएगा, आजा जा 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 जा, खाना खा, खाना खा, जाओ 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 जाओ। फाइनली खाना खाने के चक्कर में उसने 1.5-2 घंटे के बाद छोड़ दिया। ओए क्या बना रही है? नींबू पानी। अच्छा नींबू पानी बना बना बना।
थोड़ा ठंडक मिलेगा पेट में। नींबू पानी और काढ़ा दोनों पियोगे साथ में? नहीं, ये बना के ठंडा करने रखूंगी। और फिर रात को पियोगे? रात को नहीं, तो 7:30 के बाद। यहाँ पे मसाला भी रेडी हो चुका है और अभी इसके बाद इसका प्यूरी बनेगा। ऑलमोस्ट आधा तो हो चुका है। तो यहाँ पर पनीर इज गेटिंग रेडी, डाइस में कट हो रहा है और यही है हमारा आज का स्पेशल डिश, मटर पनीर। बस कुछ ही देर और हमारा डिश रेडी हो जाएगा। ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, अब तो रुका नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है आप भी खा जाओ। तो कुछ इस प्रकार आज के स्पेशल डिश के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पे रोटी बन रही है, यहाँ पे धनिया साफ हो रहा है और मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। तो डिनर रेडी हो चुका है, तो इसी के साथ बैठते और डिनर करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।